नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार रजक। स्वागत है मेरे टेक डीप ज्ञान चैनल पर। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज के वीडियो में क्या खास होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एडसेंस पिन कैसे अप्लाई किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, उस वेरिफिकेशन को कैसे कम्प्लीट किया जाता है आज के वीडियो में फुल जानकारी देंगे, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को दिखाते हैं कि YT स्टूडियो में हमारा $10 कम्प्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों देखिए, YT स्टूडियो को हम ओपन कर लेते हैं, उसके बाद अर्न में जाते हैं। तो अर्न में जाने के बाद देखिए, यहाँ पर आपको देख सकते हैं $10 से ज़्यादा यहाँ पर अर्निंग हमारा हो चुका है, यानी कि $10 कम्प्लीट हो गया है। अब चलिए, अब गूगल अकाउंट को खोल लेते हैं। तो हमारा देखिए, हम पहले जाएंगे क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में जाके यहाँ पर लिखेंगे गूगल एडसेंस। देखिए यहाँ हमारा तीसरा नंबर में आ गया है। गूगल एडसेंस को हम क्लिक करते हैं। तो हमारा देखिए यहाँ पर गूगल एडसेंस ईयर टू मनी साइन इन टू कंटिन्यू टू गूगल एडसेंस। तो देख सकते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर हमारा यहाँ पर लिखा है साइन इन टू कंटिन्यू टू एडसेंस। तो यहाँ पर जाएंगे, देखिए पूरा हट गया मेरा, फिर से हम जाते हैं एडसेंस में जाके, फिर हम गूगल साइन में, हम साइनिंग में क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से आपका इंटरफेस खुल जाएगा दोस्तों। तो हमारा क्या है, गूगल अकाउंट पहले से बना हुआ था, इसलिए बनाने की जरूरत नहीं पड़ा। अगर आपके पास बना हुआ नहीं है तो यहाँ पर कॉर्नर में आपको साइनिंग का यहाँ पर एक मार्क देगा, आप उसके थ्रू से आप गूगल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा सबसे ऊपर में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है योर यूट्यूब पेमेंट्स आर ऑन होल्ड एज यू हैव अकाउंट इशू टू फिक्स। आपका जो अकाउंट में जो ट्रांसफर होने का जो प्रक्रिया जो रहता है होल्ड कर दिया गया है, मतलब रोक दिया गया है। क्यों? जब तक आपका ये वेरिफिकेशन कंप्लीट ना हो जाए। तो इसको कंप्लीट करने के लिए देखिए यहाँ पर साइड में एक्शन का एक पॉइंट दिख रहा होगा यहाँ पर, देखिए ठीक है कोना में। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसको यहाँ क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद देखिए आपका इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। थोड़ा नेट स्लो है दोस्तों, इसलिए से जल्दी नहीं खुल रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लाल कलर का पट्टी यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए ये जो लाल कलर का पट्टा दिख रहा है, इसी में आपको क्लिक करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए वेरीफाई नाउ लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमारा इस तरह से आपका इंटरफेस में दिखेगा स्क्रीन पर। तो यहाँ पर देखिए आप ड्राइविंग लाइसेंस से वेरीफाई कर सकते हैं, पासपोर्ट से भी कर सकते हैं, पैन कार्ड से कर सकते हैं, और वोटर कार्ड से भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए हम पहले, आपको यहाँ पर कोई भी एक आईडी से करना है, ये चार आईडी है बस। आपको आधार कार्ड से नहीं करना है, आधार कार्ड छोड़ के ये चारों जो आपका पैन कार्ड यहाँ हो गया, वोटर कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सबसे आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए कोना में यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को स्टार्ट वेरिफिकेशन, तो इसको क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से आपका खुल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लीगल नेम लिखा हुआ है सामने, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिख भर देना है, ठीक है। उसके बाद हम अपना नाम इसमें भर लिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट आईडी टाइप, तो यहाँ पर आपको कौन सा आईडी कार्ड से आपको वेरीफाई करना है उसको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट करते हैं, तो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर कलेक्ट हो गया। उसके बाद नीचे देखिए लिखा हुआ है अपलोड फ्रंट ऑफ आईडी अपलोड, और दूसरा हम देखिए बैक ऑफ आईडी अपलोड, यानी कि जो भी आपका आईडी प्रूफ है उसको यहाँ पर, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस का हम यहाँ सेलेक्ट किए हैं तो उसका फ़ोटो खींच के इसमें आपको अपलोड करना है। तो अपलोड में यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, उसके बाद हम पहले से फ़ोटो खींच के रखे हैं, तो यहाँ पर जाएंगे अपना फाइल में जाएंगे, इस तरह से अपना डाउनलोड कर देंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे हम यहाँ पर अपलोड किए तो वापस हमारा यहाँ रिटर्निंग हो गया। बहुत लोगों का ऐसा होता है कि इस तरह से अपलोड करने से आपका क्या होगा कि फिर अपलोड हो ही गया ही नहीं, मतलब जैसे आप अपलोड पर क्लिक कीजिएगा फोटो को, फिर आपको रिटर्न हो जाएगा, इस तरह से रिवर्स हो जाता है, बहुत ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, यहाँ पर देखिए 3 डॉट ऊपर दिख रहा होगा यहाँ पर सामने,
ठीक है। तो यहाँ पर थ्री डॉट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप जो साइड यहाँ पर है क्लिक जो यहाँ ऑन है इसको ऑफ कर देना है, ठीक है। इसको ऑफ कर देने के बाद आपका इस तरह मतलब यानी कि मोबाइल वर्जन जो है इस के जैसा खुल जाएगा। ये देखिए मोबाइल वर्जन के जैसा खुल गया था। जब इस तरह आपका खुलेगा तो देखिए यहाँ लाल कलर का जो पट्टा आप लोग को दिख रहा होगा इसका, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ टू कंटिन्यू, इसको यहाँ क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद फिर उसी तरह से आपका इंटरफेस हो जाएगा जिस तरह से पहले बताएं। फिर यहाँ स्टार्ट वेरिफिकेशन में आपको क्लिक करना है, उसके बाद फिर यहाँ पर लीगल नेम जो आपका नाम है उसको आप यहाँ पर भर दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पर सेलेक्ट आईडी टाइप, हम ड्राइविंग लाइसेंस मेरा पास है ड्राइविंग लाइसेंस कर लेते हैं। उसके बाद देखिए अपलोड, तो यहाँ अपलोड कर लेते हैं, दोनों में अपलोड करेंगे फ्रंट और बैक का। तो पहले फ्रंट वाला हम अपलोड कर लेते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फ्रंट वाला मेरा यहाँ अपलोड हो रहा है। तब तक चलिए दोस्तों दूसरा वाला बैक साइड वाला फोटो भी अपलोड कर देते हैं। तो ये हमारा बैक साइड का जो फोटो था इसको ले लेते हैं। तो हमारा देख सकते हैं फ्रंट वाला यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, दूसरा भी अपलोड कर हो रहा है धीरे धीरे। जब ये प्रक्रिया हमारा कंप्लीट हो जाएगा, देखिए दोनों मेरा कंप्लीट हो गया। देखिए अब इसमें क्या करना है, इंटर योर एड्रेस, यहाँ पर आपको अपना लीगल एड्रेस भरना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, या आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। उसके पहले नेक्स्ट क्लिक करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप मेरा एड्रेस जो है इसमें फिल कर लेते हैं, आपको देखिए इंटर योर एड्रेस, दूसरा नंबर में आपको इंटर योर एड्रेस में अपना एड्रेस भरना है। इस एड्रेस में ही आपका जो एडसेंस पिन आएगा। तो हम अपना भर लिए हैं इसमें। आप भरने के बाद फिर सबसे नीचे आपको देखिए यहाँ पर सबमिट का यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, जब आपका पूरा फिल कर लेंगे यहाँ पर तो सबमिट कर दीजिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर इंफॉर्मेशन, वी विल रिव्यू इट एंड गेट बैक टू यू इन ए फ्यू डेज, ठीक है। आपका यहाँ वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस हो गया है। अब आपका क्या है, 2 घंटे में भी आपका कंप्लीट हो सकता है, 1 दिन में भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है ये वेरिफिकेशन जो कंप्लीट। अगर पूरा अभी कंप्लीट हो जाता तो यहाँ पर लिख जाता वेरिफिकेशन कंप्लीट, लेकिन यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, अभी ये प्रोग्रेस में चला गया है। तो आपको 1 दिन में भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है। जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मेल के थ्रू से भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है कि जब आपका इस तरह से सिचुएशन आएगा तो यहाँ पर देखिए बीच में यहाँ पर देखिए गो इट लिखा हुआ है, इसको ओके कर देना है। ओके कर दीजिए, ये आपका गूगल अप्लाई आपका जो गूगल पिन जो रहता है एडसेंस पिन अप्लाई हो गया है, ठीक है। योर आइडेंटिटी देखिए यहाँ लिखा हुआ है लाल कलर के पट्टा में, आप देख सकते हैं योर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इज प्रोग्रेस, प्लीज अलाउ ए फ्यू डेज फॉर वेरिफिकेशन, यानी कि कुछ दिन के लिए समय मांग रहे हैं, यूट्यूब समय मांग रहा है। तो हमारा ये 1 दिन में या 2 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद 15 दिन या 20 दिन के अंदर आपका गूगल एडसेंस पिन आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि गूगल एडसेंस पिन कैसे अप्लाई किया जाता है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।